हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का की रेसिपी और साथ में मैंने बनाया हरी चटनी। तो चलिए देखते हैं मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिया है। पनीर 100 ग्राम, आधी हरी शिमला मिर्च, आधी लाल शिमला मिर्च, आधी पीली शिमला मिर्च और आधी प्याज, इन सबको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। आधा कप दही और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें दही और सारे सूखे मसाले मिला करके हम एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए। हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, अब हम इसे अच्छे से विस्क की सहायता से इसे मिला लेंगे। तो देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें सारी सब्जियां मिला करके इसे मैरिनेट कर लेंगे। इसे मिला दें हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी इसमें मिला लेंगे। अब पनीर डालकर इसे भी अच्छे से मिला लें। हमने सारे पनीर और सब्जियों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पुदीना पत्ता, 1 कप धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 10 से 15 मैंने यहाँ पे मूँगफली लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 4 हरी मिर्च, 1/2 कप दही और 1 मैंने नींबू लिया है। देखिए यहाँ पे चटनी मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें दही मिलाएंगे, नींबू भी मिला दे। मैंने यहाँ पे 1/2 नींबू यूज़ किया है। अब नमक डालकर इसे एक बार और ब्लेंडर में चला लें ताकि दही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। देखिए कितनी स्मूथ चटनी बनी है। मैरिनेट किए हुए से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम एक स्टिक लेंगे, ये स्टिक मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो अब हम इस स्टिक में सारी सब्जी और पनीर को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च डालेंगे, फिर प्याज लगाएंगे, फिर पनीर लगाएंगे। इसी तरह से एक एक करके आप सारी चीज़ों को स्टिक में लगा लें। मैंने यहाँ पे सारे पनीर और सब्जियों को स्टिक में लगाकर रेडी कर लिया है।
अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें बटर लगाकर सारे टिक्कों को इस पर डालकर लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। बीच बीच में इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इसे सेक लें। अब हम पनीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर और लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। हमारा पनीर टिक्का बनकर रेडी हो गया है। ये चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से सिक गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।